महंगाई पर लगी रहे लगाम, तेजी से हो रहा भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार, इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही है भाजपा सरकार, क्योंकि समृद्ध भारत यही तो है मोदी की गारंटी। बीते 10 वर्षों में भाजपा सरकार की स्पष्ट नीतियों, सही कार्यान्वयन और सुव्यवस्थित योजनाओं से 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा भारत, और अब भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए संकल्पित है भाजपा सरकार। महंगाई पर लगाम लगाते हुए वित्तीय स्थिरता को कायम रखेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज क्षेत्रों में लाखों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। नियमों के सरलीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, उद्योगों के लिए वित्तीय सहयोग और अनुसंधान द्वारा भारत को एक विश्व स्तरीय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और कानूनों के सरलीकरण के माध्यम से भारत के निर्यात को बढ़ावा देंगे। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बने। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक ठोस और सशक्त नींव का जारी रखेंगे निर्माण, क्योंकि समृद्ध भारत ही तो है मोदी की गारंटी। मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।